नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक्साइटेड फीमेल पाम है। सवाल इनके काफी सारे थे। इनका सवाल मेनली ये था कि इनको डर है कि कहीं इनकी शादी टूट ना जाए। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का शुरू करते हैं। देखिए, आपके हाथ में जो मुझे नेगेटिव चीजें दिख रही हैं उसमें क्या चीज है? सबसे पहले आपकी जीवन रेखा में स्टार्टिंग में जाल बन रहे हैं, ये अच्छा नहीं होता है। इसके साथ साथ वाणी दोष, गुस्से की समस्या, ये भी होता है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं बुध पर्वत पर जो विवाह रेखा, उसको बाबा कुछ लाइनें इस प्रकार आकर काट रही हैं। तो तीन नेगेटिव चीज़ें। और देखिए, मैंने पर्सनली पाया है, जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, ये चीज़ कहीं किताब में नहीं लिखी है, ना ही किसी किसी हस्तरेखा शास्त्र में इस चीज़ का वर्णन है। बट मैंने अपने एक्सपीरियंस से पाया है कि जो मेरे पास डिवोर्स वाले केस आते हैं, उनके हाथ में वाली लाइन जरूर होती है। अब मैं ये तो नहीं कह रहा कि आपका डिवोर्स हो जाएगा, बट मेरे से जिन लोगों ने हाथ दिखवाया है, जिन लोगों के वहां परेशानी थी, उनका गुरुपर्वत दबा हुआ था और ये वाली लाइन 100% थी आपके उनके हाथ में। लेकिन देखिए, मेरा काम है कि आपको इस प्रकार के उपाय मैं आपको देने वाला रहूंगा जिससे आपकी वैवाहिक जीवन मधुरता आएगी और वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा। बट इतना मैं कह सकता हूँ कि आपका वैवाहिक जीवन में दिक्कत परेशानियां हैं, आगे भी चलती रहेंगी, कुछ उपाय करने के बाद उन चीजों में सुधार आ जाएगा। बट ये चीज है कि ये रेखा डिवोर्स वाली ही होती है और ये व्यक्ति का वैवाहिक जीवन में बहुत सारे बुरे प्रभाव देने वाली रहती है, बहुत ज्यादा व्यक्ति को दिक्कत परेशानी। अगर ये लाइन हो, ऊपर से हाथ की स्थिति इतनी खराब हो वैवाहिक जीवन के रिगार्डिंग, तो समस्या आती है। बट अगर आप उपाय डेली करते हैं, कोशिश ये करते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा चले, तो फिर कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं आएगी। बाकी आपने पूछा था कि आपके वैवाहिक जीवन में समस्या किसकी तरफ से आ रही है। देखिए, आपके वैवाहिक जीवन में समस्या आपकी तरफ से ही मैं ज्यादा देख पा रहा हूँ। अब आपके हाथ का जनरल एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला यहाँ पर बहुत सारी मंगल रेखा, शुक्र रेखाएं, तो परिवारजन, मित्रगण और सगे संबंधी रिश्तेदारों का पूरा साथ जिंदगी के हर कदम हर मोड़ पे मिलने वाला रहेगा। फैमिली सपोर्ट अच्छा है। अगर आप थोड़ा बहुत ध्यान रखें, थोड़ी बहुत अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, गुस्से पर कंट्रोल रखें और ऐसे शब्द ना कहें जो कि नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि आप कहते हैं वाणी दोष गुस्से की समस्या है वो ज्यादा है। तो अगर ये चीज करके चलते हैं तो वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा, मधुर एवं सुंदर जाएगा। परिवार का पूरा सपोर्ट हर तरफ से मिलेगा आपको। बाकी मंगल रेखा पूर्व पुण्य रेखा होती है। ऐसे व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म में कुछ पुण्य कार्य किए होते हैं जिसकी वजह से आपके हाथ में आज ये मंगल रेखा मौजूद है। ये मंगल रेखा आपके जीवन में दिखाता है कि अगर आप खुद ब खुद कोई बिजनेस या व्यापार करना चाहते हैं, कुछ भी काम करना चाहते हैं, तो उसमें प्रॉपर्टी डीलिंग सबसे अच्छी रहेगी, कंस्ट्रक्शन का काम सबसे अच्छा रहेगा, सीमेंट का काम सबसे अच्छा रहेगा, टाइल्स का काम सबसे अच्छा रहेगा, रियल इस्टेट का काम भी कर सकते हैं, खेती भी पर्याप्त रहेगी आपके लिए। मंगल पर सपोर्टिंग लाइन बहुत सारी है, तो मान के चलिए फैमिली का सपोर्ट जिंदर मिलता रहेगा। बाकी बुढ़ापे में किसी प्रकार की कोई आपको शारीरिक समस्या का सामना नहीं करना रहेगा। इस प्रकार के बाहरी मंगल आपके अंदर जुनून, हौसला, पराक्रम, सहनशीलता, साहस बढ़ने वाले रहते हैं। फोकस और डेडिकेशन चीजों के लिए अच्छा पाया जाता है ऐसे व्यक्ति के अंदर। बाकी गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति गड़बड़ा रही है। ये रेखा वही है जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। बाकी गुरुदेव भी अच्छी अवस्था में नहीं है। देखिए, गुरुदेव ही व्यक्ति के जिनमें लाइफ पार्टनर के कारक होते हैं, इनके उपाय करना आपको सबसे जरूरी रहेगा। आप वीडियो देखने के तुरंत बाद मुझसे गुरुदेव बृहस्पति के उपाय मांग लीजिएगा। अगर आप मेरे दिए गए उपाय लगातार करते हैं, बिना रुके करते हैं, डेली करते हैं, बिना किसी छुट्टी लिए करते हैं, और कोशिश कीजिए। देखिए, अगर आप बिजी हैं तो फिर कोई बात नहीं, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप बिजी हैं तो देखिए छूट जाएगा, बट फिर भी अगर लेकिन आप मेरे उपाय जानबूझ के मत छोड़िए। अगर आप मेरे उपाय जानबूझ के छोड़ते हैं तो आपको ज्यादा दिक्कत आने वाली रहेगी, और अगर 3 साल तक आपने मेरे उपाय कर लिए तो आपके भाई जी ने फिर से मधुरता आ जाएगी। तो यही चीज है, गुरुदेव बृहस्पति की आपको उपाय करने की सबसे जरूरत रहेगी। शनिदेव भी दबे हुए हैं ये व्यक्ति में। देखिए, जिस भी व्यक्ति के जीवन में इस तरह के योगों वैवाहिक जीवन में बुरी से बुरी स्थिति आती है, ये चीज है आपके हाथ। बट उपाय के द्वारा इन चीजों को सुधारा जा सकता है। तो ये चीज नहीं है कि चीजें बिगड़ेंगी, आगे उपाय करने पर और खुद की तरफ से सेल्फ कंट्रोल करने पर चीजें सुधरती हैं, वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। बाकी शनिदेव हाथ में यहाँ पर दब गए हैं। ऐसे व्यक्ति थोड़े आलसी होते हैं, जिम्मेदारियों को थोड़ा अच्छी तरह से निभाने में सक्षम नहीं रह पाते, और कहीं ना कहीं अपने काम को दूसरे पर थोप देना, अपने काम को दूसरे पर सौंप देना, टालम टोल करना, आलस दिखाना, ये कार्य आपके जिम्मे रहने वाले हैं। अगर आप जैसे व्यक्ति अपने कार्य को समय पर पूर्ण करना शुरू कर दें तो जीवन में बड़ी तरक्की को आप अर्जित करेंगे। केवल ये कार्य छोड़ दीजिए, केवल आलस छोड़ दीजिए, आलसी व्यक्तित्व है आपका। बाकी अगर आप जीवन में कभी भी अगर खुद का व्यवसाय करना चाहें तो लोहे से जुड़ा कार्य मत कीजिएगा। लोहे से जुड़ा कार्य करने पर आपको नुकसान होने वाला रहेगा। और कहीं ना कहीं देखिए, ये कॉम्बिनेशन अगर आपके हाथ में है तो संतान द्वारा पूरा सपोर्ट तो मिलेगा, बुढ़ापा भी अच्छा जाएगा, बट फिर भी आलस की वजह से लोहे से जुड़ा कार्य करने पर नुकसान रहेगा। और जीवन में कभी भी अगर आपके घर में एक्स्ट्रा लोहा पड़ा है जो कि किसी काम का नहीं है, जो कि स्टोर रूम में रखा हुआ है, उसको निकाल दीजिए, उसको निकाल के बाहर कर दीजिए। इसके साथ साथ आप कोई एस्ट्रोलॉजिकल ऐप डाउनलोड कर लेना, उसमें चेक कर लेना कि आपके जीवन में आपकी शनिदेव की सरस्वती ढैया कब आएगी। जब भी वो आएगी आपको नुकसान देने वाली रहेगी, तो शनिदेव के जो उपाय दूंगा वो मैं आपको पहुँचा दूंगा। उससे क्या होगा, अगर आप जीवन में जब भी आपके जीवन में शनिदेव की सरस्वती ढैया आएगी, वो आपको नुकसान देने वाली नहीं रहेगी, फिर आपको उसमें लाभ ही लाभ मिलता रहेगा। सूर्यदेव बहुत उत्तम अवस्था में, बहुत सुंदर सूर्य रेखा है,
और वी का साइन भी बनना है। देखिए वी का साइन या फिर फोर का साइन कह सकते हैं, सूर्य देव के क्षेत्र पर जब भी फोर का साइन बनता है तो व्यक्ति जीवन में कैसी समस्या कैसी परेशानी आ जाए, कितना व्यक्ति परेशान हो जाए बट अंततः सफल हो जाता है, सफलता की कदम चूमती है, व्यक्ति को अंत में आकर सक्सेस मिल जाती है, नेम फेम अच्छा रेस्पेक्ट प्रॉस्पेरिटी मिल जाती है। इस तरह के योग आपके हाथ में है। संघर्ष रहेगा क्योंकि मल्टीपल सूर्य रेखा है और यहाँ पर भी इन रेखाओं में थोड़े बदलाव आ रहे हैं, नीचे जाकर फैल रही है, बट फिर भी एट द एंड सक्सेस है आपके हाथ में। करियर वाइज भी है, अगर आप करना चाहें कोई करियर वाइज कोई काम करना चाहें तो करियर वाइज सफलता आपको जल्दी एवं अच्छी मिल जाएगी। बुध पर मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारी सुंदर सी ये रेखाएं हैं, जब इतनी सारी रेखा होती है संतान सुख परिपूर्ण एवं अच्छा मिलता है, संतान लायक निकलती है, बाकी भाग्य तेज होगा, व्यापारी व्यक्ति है, व्यापारी वर्ग है, व्यापार जल्दी समझ में आता है, व्यापार करके जीवन चला मान जीवन कमा सकते हैं। ये वाले जो बुध पर्वत है आपके हाथ में बहुत उत्तम अवस्था में, तो वाणी पर पूरा कंट्रोल करिएगा, कोशिश कीजिएगा कि वाणी पर पूरा कंट्रोल रहे क्योंकि वाणी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अपना कमाया पैसा हमेशा अपने हाथ में रहेगा, पैसे का सदुपयोग आपके हाथ में देख पा रहा हूँ, पैसे का सदुपयोग आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपके हाथ में धनुषाकार रेखा बन गई है, व्यक्ति समझदार होता है, सही समय पर सही निर्णय लेने सक्षम होता है, जीवन में कभी जल्दबाजी में आकर भावनाओं में भकर या फिर गुस्से में आकर व्यक्ति कभी भी गलत निर्णय नहीं लेता। ये यहाँ पर जो आपकी पिंकी फिंगर है ये सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक नहीं पहुँच गई है, ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले मन में हड़बड़ाहट बेचैनी गुस्सा जल्दी आ जाना, एक मनी मैनेजमेंट ना कर पाना, पैसे को ना बचा पाना, जितना सोचा है बचाने का उतना ना बचा पाना, और कहीं ना कहीं व्यक्ति को जीवन में बहुत सारी समस्या रहती है जब आपके हाथ में इस तरह की पिंकी फिंगर छोटी पड़ जाए। तो इसका उपाय ये है कि आप जिस व्यक्ति पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए, जितना पैसा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने तरीके से उतना आपको लाभ मिलने वाला रहेगा। बाकी देखिए अगर आप अपना कमाया पैसा किसी और को दें अपने फैमिली मेम्बर में तो लाभ मिलता है, और एक पार्टनरशिप में बिजनेस करके सफल होने के कोई योग नहीं है। तो जीवन जब भी कोई बिजनेस करने चाहें आप अपने दम पर करें, कोई पार्टनर ना रहे साथ में तो आपको लाभ मिलेगा, तो आपको लाभ मिलने वाला रहेगा। अगर पार्टनर रहता है तो आपसे ज़्यादा आपके बिजनेस में पार्टनर को ज़्यादा लाभ होगा और आपसे फ़ायदा उठाने वाले पार्टनर का नेचर रहेगा। इस तरह के योग आपके हाथ में हैं, बाकी मन में हड़बड़ाहट बेचैनी रहती है तो इस चीज़ पर काम करें और अपनी बातों को सही लोगों पर कहना सीखें तो लाभ मिलने वाला रहेगा। यहाँ पर देख पा रहा हूँ जो आपकी उंगलियाँ हैं, जो आपकी मातृ बाह्य राशियाँ हैं, मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, ये बाह्य राशि के हाथ में आपके यहाँ पर सीधी खड़ी लाइनें हैं। जब बाह्य राशियों पर ही सीधी खड़ी लाइनें होती है तो जब भी आपके ग्रह इन राशियों के अंदर गोचर करेंगे आपको अच्छा लाभ मिलने वाला रहेगा। और देखिए इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन में आप किसी भी परिस्थिति में ढलने में सक्षम है, जैसे लोग हम बैठेंगे वैसी बातें करेंगे लेकिन कभी भी उनके किसी की संगत का प्रभाव आपके ऊपर नहीं आने वाला रहेगा, संगति का असर आपको नहीं रहेगा किसी की भी का। दोनों उंगलियाँ बराबर हैं तो सेंसिटिव टाइप नेचर देता है। यहाँ पर देख पा रहा हूँ ये जो कॉम्बिनेशन है पैसे को बचाने में प्रॉब्लम यहाँ पर भी दिख रही है। अंगूठा आपका सही है, यहाँ पर आपका साइन अगर बन जाता तो बहुत बढ़िया लाभ मिलने वाला रहता है। यहाँ पर आड़ी रेखाएं तो तर्क वितर्क के साथ अपनी बात रख पाते हैं, लॉजिक अच्छा रख पाते हैं, अपनी बात को लॉजिक के साथ रखने में सक्षम होता है। यहाँ पर अंगूठा आपका सीधा है तो ये आपको इंट्रोवर्ट बनाएगा। यहाँ पर मणिमन नहीं दिख रहा है, अगर चंद्र की तरफ आ जाए तो चंद्रदेव पर नेगेटिव रेखा है तो मन में चिंता, मन शांत होना, मन एक जगह ना सही बैठ पाना और मन भटकना, कॉन्सेंट्रेशन ना एक जगह हो पाना, स्त्री जाते संबंधों में खराबी आना। और देखिए आप जैसे व्यक्ति वो हैं जो अगर जल के पास जाइए, देखिए मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहा हूँ, जीवन में कभी भी बहते पानी गहरे पानी पर मत जाइएगा, आपको जल से खतरा है। तो कोशिश कीजिएगा जब भी किसी नदी किनारे, समुद्र किनारे, झील किनारे, तालाब किनारे, नहाने धोने कुछ भी करने जाएं तो किनारे पर ही करें और साइड हो जाएं तो आपको फिर लाभ मिलने वाला रहेगा। इस चीज़ को आप एक एडवाइस के तौर पर ले सकते हैं, बाकी मन में शांति नहीं बनी रहेगी। इसके लिए आपको मैं एक उपाय वीडियो में बताता हूँ। देखिए जिस व्यक्ति के चंद्रदेव अच्छे नहीं होते तो उस व्यक्ति को महादेव की भक्ति करनी चाहिए, और एक मंत्र होता है वो भी मैं आपको दूंगा, उस मंत्र का जाप करने से चंद्रदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और अच्छा लाभ देने वाले रहते हैं। तो महादेव की भक्ति एवं उस मंत्र का जाप कर आपको लाभ मिलेगा। शिवलिंग अगर घर पर ले जाते हैं तो लाभ मिलेगा, और ज़्यादा लाभ मिलेगा। शिवलिंग घर पर लाइए, उनकी पूजा अर्चना कीजिए, उन्हें घर पर स्थापित कीजिए। यहाँ पर जो आपके भारी मंगल हैं ये अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, तो आपको पराक्रमी बनेंगे, पराक्रमी है, समस्याओं से डरते नहीं, समस्याओं से लड़ना जानते हैं, एक प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी रहती है। ऐसे व्यक्ति को नॉर्मल लाइफ कभी पसंद नहीं होती, जीवन में जितना स्ट्रगल, जितना परेशानी, जितना डिप्रेशन आएगा व्यक्ति उतना ही जीवन में आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है। जो समस्या होती है व्यक्ति को मजबूत बनाती है, एक पर्सनैलिटी मजबूत होती है और समस्याओं से डरते नहीं है कभी भी। बाकी कम्युनिकेशन स्किल जैसे हम लोगों के बात करने का तरीका बताते हैं वो अच्छा रहेगा, और जीवन में बाकी सारी कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने रहेंगे, पुलिस स्टेशन के चक्कर नहीं काटने रहेंगे अपने कार्य से भी। हृदय रेखा पर अगर आया जाए तो हृदय रेखा सही है, बट यहाँ पर देख पा रहे हैं ये रेखा माप की सेवा करने वाले के हाथ में पाई जाती है। ये रेखा जब हाथ में होती है तो ज़्यादा दुखी नहीं रह पाता, अगर दुखी बैठेंगे तो बाद में खुश होकर औरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना, औरों की खुशी को देखकर अपना दुख भुला देना, ये चीज़ रहती है। हृदय रेखा में दिक्कत है तो
इमोशनल हर्ट रहेगा, जीवन भर इमोशनल हर्ट रहेगा, किसी से भी ओवर एक्सपेक्टेशन मत कीजिएगा। ओवर एक्सपेक्टेशन करने पर आपको जीवन में समस्या मिलने वाली रहेंगी। बाकी हृदय रेखा दिखा रही है कि आप मन से बेचैन जीवन में रहने वाले हैं, इसके उपाय मैं आपको पहुंचा दूंगा। बाकी मित्र शरों को बड़ा पैसा देने से बचिएगा, अगर बड़ा पैसा देते हैं तो उसमें दिक्कत आपको रहने वाली रहेगी। मस्तिष्क रेखा में भी दिक्कत है, देखिए आपके हाथ में मुझे सप्तधी तोला के डिवोर्स के पूरे पूरे योग बन रहे हैं, बट ये चीज़ें उपाय करने के बाद योग कम हो जाएंगे, क्योंकि देखिए अभी रेखा जैसी है वो हमेशा जैसी नहीं रहेंगी, जैसे आपके कर्म जैसे आपके निर्णय वैसे आपकी रेखाएं। तो आगे चल के अगर रेखा बदलेंगी, क्यों बदलेंगी, क्योंकि मैं उपाय दूंगा। उपाय से आपके जीवन में आपके जो कर्म बदलेंगे उससे आपके आने वाले जीवन में जो डिसीजन लेंगे वो बदलेंगे, तो फिर आपके जीवन में जो वो स्थिति है वो कम हो जाएगी, बुरी स्थिति कम हो जाएगी। अभी रेखा में इस प्रकार की नहीं है कि आपको अच्छा प्रभाव मिल सके, बट हाँ उपाय करने वक्त आपको जीवन में सुख शांति देखने को जरूर मिलने वाली रहेगी। मस्तिष्क रेखा में भी गड़बड़ है, क्यों गड़बड़ है, यहाँ पर देखिए मस्तिष्क रेखा पर क्रॉस बन रहे हैं, ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। ये दिखाते हैं व्यक्ति अपने जीवन में बेवकूफ़ी कर बैठेगा, जीवन में ऐसे निर्णय लेगा कि बाद में खुद को ही पछतावा होगा। तो कभी भी इमोशंस में आकर, जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में आकर, गुस्से में आकर ऐसे निर्णय मत लीजिएगा जिनके बाद में आपको नुकसान हो। आपकी मस्तिष्क रेखा पर बार-बार कट लग रहे हैं, ये आपके जीवन में ऐसे निर्णय ले सकते हैं कि आपको बाद में उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो आपके लिए सबसे पहला महादेव की भक्ति अनिवार्य रहेगी, क्योंकि आपके हाथ में महादेव की भक्ति करके जीवन में मिलने वाला रहेगा। उसके रिगार्डिंग जो मंत्र होंगे वो मैं आपको पहुंचा दूंगा, बट इस मस्तिष्क रेखा में प्रॉब्लम है। जीवन रेखा मजबूत है बट राहु रेखा काट रही है, और दिमागी स्तर पर गलत निर्णय वाले पूरे हो गए, इमोशनल हर्ट भी है आपके हाथ में, और शुरू में जीवन रेखा में भी दिक्कत है। तो जीवन रेखा के भी रिगार्डिंग आपको उपाय देने वाला रहूंगा। अभी आपके हाथ में देखिए मैं क्या देख पा रहा हूँ, अभी आपके हाथ में नेगेटिविटी है, बट फिर भी मैं आपको दोबारा ही कहूँगा कि उपाय करने वाला सारी नेगेटिविटी चली जाएगी। और देखिए मेरे उपाय ऐसे होते हैं कि एकदम से फर्क नहीं दिखता, एक साल में भी फर्क नहीं दिखेगा, आपको कम से कम 2 सालों के अंदर फर्क दिखना शुरू होगा, और 4 से 5 सालों के अंदर आपको असर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। 100% आपको अपना भाग्य बदलता दिख जाएगा, रेखाओं में बड़े बड़े बदलाव होते दिख जाएंगे। तो कोशिश ये कीजिएगा कि आपकी एक बार जीवन में आगे मेरे से बात ना हो, बट उपाय कभी ना छूटे। उपाय आपको 10 साल 15 साल 20 साल हमेशा करने रहेंगे, हमेशा मतलब हमेशा जब तक आपके शरीर में शक्ति है आपको उपाय करने रहेंगे। अभी आपके हाथ में नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है, बस अभी इतना ही कहूँगा उपाय करिए लाभ मिलेगा। लाल भाग्य का मजबूत है, मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, लेकिन मनी ट्रायंगल पर भी ये रेखा काट रही है, तो मान सकते हैं कि पैसा अच्छा आएगा बट खर्चे भी ज़्यादा होने वाले रहेंगे। और सूर्य रेखा बढ़िया है, सूर्यदेव को अर्घ देकर सूर्यदेव को जल चढ़ाकर अच्छा लाभ मिल सकता है आपको अपने जीवन में। आपके जीवन में आपकी हेल्थ से रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम हमने बता ही दी, फाइनेंशियल वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ भी जिस भी स्थिति में रहेंगे पैसा भरपूर आता रहेगा, उपाय करने का सारी समस्या खत्म हो जाएंगी। तो मैंने आपके 5 कंसेस पूरा कर दिया, मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके साथ लोग जब मिल गएंगे, इसके बाद भी कोई डाउट हो जाए तो आप मुझसे पर्सनली बात से पूछ लेना। आपके पानी की रेट ये थी, पारिवारिक समस्या अति मारक अवस्था में दिख रही है, हेल्थ रिगार्डिंग बुढ़ापे में प्रॉब्लम आएगी, फाइनेंशियल वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाथ मजबूत है, उपाय करने और मजबूत होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।